उसके एक्वेरियम के अंदर दो छोटे एक्वेरियम हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है ओनली फिश टैंक्स और कुछ एक्वेरियम के ड्राई प्रोडक्ट्स हैं जो कि अनबॉक्स होने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि पूरा का पूरा त्योहारों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और ये एक्वेरियम का सीज़न भी चल रहा है। इस टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी हॉबी पे प्लांट्स पे फिशेस पे और एक्वेरियम वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और एक्वेरियम बहुत तरह तरह के आते हैं, बट मैं काफ़ी चीपेस्ट प्राइस वाले एक्वेरियम मंगाता हूँ हमेशा। जैसे कि जानते हैं आप सभी लोग कंपनियाँ ऐसी ऐसी होती हैं जो बहुत महंगी भी होती हैं सस्ती भी होती हैं, बट ये मीडियम रेंज के एक्वेरियम्स होते हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है खरीद सकता है। तो देखते हैं लगभग 13 पीस एक्वेरियम्स हैं जो कि सारे के सारे मोल्डेड टैंक हैं, हैंडमेड तो अलग होते हैं जो हम लोग बनाते ही रहते हैं आपके हिसाब से। जैसे कि किसी को 24x12 चाहिए, 36x12 चाहिए, 4x1 फीट चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो ज़्यादातर जो एक्वेरियम आ जाए हुए हैं परफेक्ट कंपनी के हैं, आप लोग देखें और इनको 1x1 ओपन करेंगे और सारे मॉडल्स देखते हैं कैसे हैं। किसी को चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है रीवा से बसेस जाती हैं, डायरेक्ट ट्रेन जाती है, वहाँ पे मैं इनको भिजवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अनबॉक्स करूँगा आपका NSF802। क्या आइटम निकलता है और कैसा है। इसके अंदर क्या निकला ये फिश, तो ये स्पंज है, इस पर नेट है, इस पर एक्चुअली ड्राई आइटम है। दूसरा खोलते हैं, अब खोलने जा रहे हैं दूसरे मॉडल को PY580। इसके अंदर एक्वेरियम ही है। इस कंपनी के लगभग इतने सारे टैंक फर्स्ट टाइम पे ही मंगाया हुआ हूँ, पता नहीं कैसे होंगे। आप लोग रिव्यू इसका मुझे कमेंट करके जरूर देंगे। अब देखें ये कैसा है। ये लगभग RS580 जैसा टैंक होता है कुछ उसी तरीके से, बट ये चौकोर में है और RS580 होता है राउंड शेप में होता है। लाइट में से कवर लगा हुआ है, ब्लू और वाइट लाइट है, LED टॉप फिल्टर भी है। जो ये टैंक है ये मैं कंप्लीट मतलब विथ डेकोरेशन के साथ देता हूँ, अगर सेल करता हूँ किसी को तो इसकी कीमत 5000 रुपीज़ होती है। अब ये मॉडल जो ओपन हो रहा है ये एक्वेरियम का PY380। ये छोटे में काफ़ी परफेक्ट टैंक है, ये चौकोर में ये भी है, गोल शेप में नहीं है, टॉप फिल्टर, LED लाइट विथ सेट। ये लगभग मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली रेट ही बता सकता हूँ क्योंकि बिल इनका निकला नहीं है इनका किसी का। ये 2500 रुपये में कंप्लीट मैं इस टैंक को दे सकता हूँ विथ डेकोरेशन और पूरा सेटअप करके। इसमें दो टैंक आए हैं साथ में, इनको चिपका दिया गया जिससे भाड़ा एक ही टैंक का लगे, मतलब एक ही कार्टून का। इसके लिए दो कार्टूनों को आपस में चिपका दिया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए सेम मॉडल है तो इसे खोलने की जरूरत नहीं है, इसे मैं साइड रख देता हूँ। ये है PY480, ये भी दो टैंक हैं, आप लोग देखें इसको भी वैसे ही पैक किया गया। तो इसका मैं एक टैंक अभी खोलूँगा, एक टैंक रखा रहेगा बैकअप। इस तरीके से है, लगभग 18 इंच लंबा होगा, 1 फीट चौड़ा समथिंग। LED लाइट फिल्टर सेम है, PY480 नंबर मॉडल है। इसकी जो कीमत होगी कंप्लीट समथिंग 3500 3500 के समथिंग। तो ये परफेक्ट का PL600 नंबर टैंक है, इसका ऊपर का कवर जो है मेटल का है, काफ़ी परफेक्ट दिख रहा है। जैसे ऊपर से ओपन हो गया ये जैसे आपके मिनी जैन के टैंक होते हैं कुछ उसी तरीके से इसकी फिनिशिंग दी गई है। लाइट वगैरह भी काफ़ी हैवी दिख रही, इसको निकालते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टैंक लग रहा है मुझे तो, मतलब एक लुक जो इसका है, इसका जो चौड़ाई और लंबाई काफ़ी परफेक्ट है और एक रॉयल लुक है। इसको रख के देखते हैं कैसा लगता है। इस
टैंक की जो कीमत है 7,000 रुपीज़ विथ डेकोरेशन, और मतलब जो जैसे रॉक्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए, बैकग्राउंड हो गया, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, लाइट और फिल्टर तो रहता ही है, और फिशेज वो साथ में नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ कंप्लीट करके देंगे। तो एक टैंक आप लोगों को कैसा लगा, काफ़ी अच्छा टैंक है, कमेंट करके भी बताइएगा। ये जो टैंक का मॉडल नंबर है सोबो कंपनी का है, और सोबो का H600 है, इसकी जो कीमत है 6,800 रुपीज़ है। ये भी देख सकते हैं इसका जो मॉडल है परफेक्ट का, जो 7,000 वाला टैंक है सेम वैसे ही है, एल्युमिनियम का पूरा कवर है। इसके एक्वेरियम के अंदर भी दो छोटे एक्वेरियम हैं, ये सबसे छोटे साइज के मोल्डेड एक्वेरियम जो होते हैं ये वो हैं, इनसे छोटा मोल्डेड एक्वेरियम विद फिल्टर और लाइट के साथ कोई भी नहीं। तो इस टैंक को देख सकते हैं 6,800 रुपये में कैसा टैंक है। इसकी चौड़ाई भी काफ़ी बेहतरीन है, और इसकी ग्लास की क्वालिटी भी थोड़ा सा अलग है, मतलब काफ़ी अच्छा है। ऊपर का सिस्टम भी काफ़ी मजबूत और हैवी है, जैसे बहुत सारे लोग प्लास्टिक का होता है फिल्टर साफ करने के लिए ऊपर से दिया है, जैसे हैवी टैंक जो आते हैं, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं 3 फीट 5 फीट, उनके लेवल पर इसका पूरा मैकेनिज़म दिया हुआ है। अभी ये PY240 नंबर का टैंक है, ये सबसे छोटा और सबसे सस्ता एक्वेरियम होता है, इससे सस्ता एक्वेरियम मोल्डेड का भी सेटअप नहीं आता। इसकी जो कीमत है ये भी सबसे कम होती है, ये 1500 रुपये में मिल जाता है विद डेकोरेशन, जिसका छोटा सा टॉप फिल्टर लाइट। अभी ये केज वाला बॉक्स है, बट इसके अंदर केज कम है और कुछ आइटम और भी, ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये साइलेंट वाला एयर पंप डबल नोजल का है, ये PF825 मॉडल नंबर का टैंक है, लगभग 2.5 फीट का होगा। इसकी जो कीमत है 9,000 रुपये है, ये इस बार के लॉट का सबसे महंगा टैंक है। इसका भी डिज़ाइन और लुक कुछ अलग ही है, इसमें ऐसा इतना बड़ा सा कवर दिया हुआ है खाना देने के लिए, बट चैम्बर काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, देखते ही निकलता कैसे है। ये कुछ ऐसे दो पल्ले में है, घुमा दीजिए। तो ये टैंक है, सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है, और थोड़ा जूम आउट करते हैं। ग्लास काफ़ी हैवी है इसका, एक तो यहाँ से ओपन होता है नॉर्मली खाना वाना देने के लिए, फ़िल्टर साफ़ करने के लिए यहाँ से पीछे से ओपन हो ही रहा है। उसके साथ में इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, और हाइट भी। 9,000 रुपये में एक ऐसा टैंक है, विद डेकोरेशन देंगे अपन लोग, ग्रेवल्स वगैरह साथ में रहेंगे, बैकग्राउंड इसके साथ में रहेगा, और टैंक मेरे पास अच्छी वैरायटी हो चुकी हैं, जिनको भी चाहिए हो तो फटाफट आके ले सकते हैं। वैसे मैं इनकी प्राइस और इनके बारे में जो भी बता दिया है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लिया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में।